हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेई क्लास में। दोस्तों, मैंने बिहार पंचायती राज के जो वैकेंसी आया था अकाउंटेंट का और असिस्टेंट का, तो उस पर मैंने वीडियो बनाया था, जो कि मैं इस पर पूरा डिटेल्स वीडियो बनाया था, उसको ऑनलाइन कैसे करना है सब बताया था। और इसका जो लास्ट डेट है वो भी पार हो चुका है, 27/9 लास्ट डेट था। तो आप लोगों ने वीडियो बहुत सारा पसंद किया, बहुत सारा कमेंट किया, मैंने उसके जवाब भी दिए। अब दोस्तों, अब वक्त है कि उसका काउंसलिंग कैसे होगा, उसका टाइमिंग क्या है, उसका जो अपलोड किया गया है डेटा उसमें कौन किसका अप्रूव किया गया है, किसको रिजेक्ट किया गया है, सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं इसमें बताने वाला हूँ इसका जो काउंसलिंग डेट क्या है, इसका जो मेगा सूची कैसे बनाया जाएगा, कितना फॉर्म लोगों ने अप्लाई किया है, कितना ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म गिरा है, इसके लिए कैसे कैसे मेरिट लिस्ट बनेगा, सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए ज़रूर। चलिए पहले हम दिखाते हैं आपको। देखिए, ये जो वेबसाइट है यहाँ पर आपको आना है, और यहाँ पर दिया गया है लिस्ट ऑफ ड्यूली एंड नॉन ड्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। और इस पे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखाया गया है लिस्ट ऑफ ड्यूली रजिस्टर्ड, यानी जिसका कि रजिस्टर्ड सक्सेसफुली हो चुका है उसका लिस्ट है, जिसको कि रिजेक्ट कर दिया गया है वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो आप यहाँ से आके आसानी से चेक कर सकते हैं। मैं ये दोनों लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट इस लिंक को पा सकते हैं। चलिए हम पहले दिखाते हैं आपको ड्यूली जिसका कि एक्सेप्ट किया गया है। देखिए, यहाँ पर आपको आना है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट नेम ऑफ पोस्ट, यानी आप जिस पोस्ट के लिए भरे हैं अपना। चलिए मैं आपको एक दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, जैसे अकाउंटेंट, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट। अब जिस डिस्ट्रिक्ट में आप भरे हैं, चलिए मैं दिखा रहा हूँ मान लीजिए भागलपुर। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी, आप जिस कैटेगरी के लिए भरे हैं अगर आपको याद नहीं है, यहाँ पर ऑल कर सकते हैं। और यहाँ पर आना है आपको व्यू लिस्ट पे। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखा देगा आपका नाम है कि नहीं, आप यहाँ से अपना नाम चेक कर सकते हैं, अपना सारा डेटा। यहाँ से आप अपना पोस्ट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज सेलेक्ट करके व्यू लिस्ट पर क्लिक करके अपना यहाँ पर नाम आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर दिखा रहा है आपको एप्लीकेशन आईडी, यहाँ पर अगर आपका आ रहा है समझिए कि आपका अप्रूव हो चुका है। और अगर इसमें आपका नाम नहीं है तो आपको जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पर लिस्ट ऑफ नॉन ड्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट, यानी यहाँ पर जो रिजेक्ट किया गया है कहीं उसमें तो आपका नाम नहीं है, अगर उसमें आपका नाम है तो बहुत दिक्कत आपको हो जाएगा। चलिए मैं दिखाता हूँ इसको भी आपको, क्यों ये सारे फॉर्म को उन्होंने रिजेक्ट किया है, किस बेस पे किया है, इस पे आप आरटीआई मांग सकते हैं। चलिए हम ऑल पे आके क्लिक करते हैं और व्यू लिस्ट पे देखते हैं। ये देखिए, यहाँ देखिए कितना नाम आ रहा है, ये जो है एप्लीकेशन आईडी, जो है एप्लीकेंट आईडी, यहाँ किसी का नहीं आ रहा, मतलब ये सारे फॉर्म जो है, ये जितने भी नाम देख रहे हैं आप, एप्लीकेंट नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा जो है आपको रिजेक्ट कर दिया गया है। इसके बारे में आप विभाग से जानकारी ले सकते हैं, उसका जो फ़ोन नंबर दिया गया है वहाँ पता कीजिए क्यों आपका रिजेक्ट किया गया है। ये रहा दोस्तों, अब मैं दिखा रहा हूँ आपको मेन अपडेट कि जिसका भी अप्रूव किया गया है, जो मैंने दिखाया अभी आपको, ये जो अप्रूव जो लिस्ट है, ये सारा जो लिस्ट जिसका अप्रूव किया गया है, तो इसको आप काउंसलिंग कैसे होगा, कब से होगा, चलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप। देखिए, तकनीकी सहायक और लेखापाल को अर्जी, ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है टोटल जो है दोस्तों, पंचायती राज विभाग द्वारा संविदा पर तकनीकी सहायक और लेखापाल के कुल जो है 41,092 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, जिसमें कि आपको 1,05,725 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन दिया है। यह दोस्तों 41,092 पदों के लिए आपको 1,05,725 लोगों ने आवेदन दिया है, जो कि सरकार ने यह कवायद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय के तहत पेयजल आपूर्ति यानी हर घर नल जल, ग्रामीण गली नली पक्कीकरण की रफ्तार देने के लिए उद्देश्य शुरू की है। और ऐसे में संविदा के आधार पर तकनीकी सहायक के 296 और अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट के 296 पदों पर नियुक्ति होनी है। इसमें आवेदन के लिए जो अंतिम तिथि थी वो 27 सितंबर तक था, जो कि ये डेट पार हो चुका है, और जो टोटल जो फॉर्म है वो अप्लाई भी हो चुका है। देखिए, दिखा रहा है आपको तकनीकी सहायक के 296 पदों पर आपको 26,085, और अकाउंटेंट के लिए आपको जो था पोस्ट 26,296 उसके लिए 79,640 अभ्यर्थियों ने अर्जी दी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ दिखा रहे हैं आपको, देखिए यहाँ पर सब कुछ दिखा रहा है, और आपको यहाँ पर सारा कुछ मिल जाएगा। और देखिए, आपको मेन चीज़ दिखा रहा हूँ आपको, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि इसका कब से काउंसलिंग होगा, कब इसका मेगा सूची आएगा। चलिए मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है आपको, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है दशहरा के बाद यानी 23 से आपको 31 अक्टूबर के बीच काउंसलिंग कराने की योजना है, यानी 23 से आपको 31 अक्टूबर के बीच काउंसलिंग आपका शुरू हो जाएगा। और इस दौरान पदों की तुलना में अंकों के आधार पर
दो गुना अभ्यर्थी, यानी जितना भी वैकेंसी है उसका दो गुना अभ्यर्थी को बुलाने का लक्ष्य विभाग ने तय किया है। ये सारा है, आपको सब कुछ पता ही होगा कितना सैलरी वगैरह है। और मैं आपको मंच बता दूँ, जो मेगा सूची बनेगी, किसे बनेगी यहाँ दिखा रहा है, यू बनाई जाएगी मेगा सूची, मेन पॉइंट। लोग बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, चलिए यहाँ पर मैं आपका डाउट क्लियर कर दे रहा हूँ। लेखापाल सा आईटी सहायक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बीकॉम है, ये आप जानते ही हैं, और बीकॉम में प्राप्त प्रतिशत अंक इस प्रयोजनार्थ अंक माने जाएंगे। जितना भी आपका बीकॉम में अंक आया है, आपको उसका वो बेस मान के, एक उसका आपका आधार मान के, आपको उसका मेगा सूची तैयार किया जाएगा। और बीकॉम के बाद यदि आप एमकॉम हैं या सीए हैं, अगर वो आप दिए हैं, तो उसमें आपको 20 अंक बोनस दिया जाएगा। यानी बीकॉम का जो आपका मेगा सूची बनेगा, प्लस 20 अंक आप एमकॉम या सीए कर दिए हैं, तो उसमें आपको जुड़ जाएगा। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, जो एमकॉम या सीए किए हुए हैं। बीकॉम में प्राप्त अंकों तथा उच्चतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर प्राप्त अंकों के आधार पर मेगा सूची बनाई जाएगी। और चयनित कर्मियों, जो कि इसका कि चयन किया जाएगा, उसको 3 माह में कंप्यूटर दक्षता प्राप्त करनी होगी, तभी आप उसमें काम कर पाएंगे। और देखिए आगे दिखा रहे हैं, तकनीकी सहायक के लिए कि पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा रखी गई है, ये तो आप जान ही रहे हैं। और उसी के आधार पर जिसका जितना मार्क्स होगा, उसके आधार पर जो टेक्निकल असिस्टेंट है, उसके उसका बेस मान के मेगा सूची बनाया जाएगा। तो इस तरह से लेखापाल से आईटी सहायक और तकनीकी सहायक के मेगा सूची बनाया जाएगा प्राप्तांक के आधार पर। और ये आपको 23 से 31 अक्टूबर तक आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, और उसके बाद नवंबर में आपका जो मेगा सूची उसका लिस्ट आ जाएगा। और जैसे ही लिस्ट आएगा, मैं इसे वीडियो बनाकर जरूर लाऊंगा। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छा लगे तो लाइक बटन को जरूर दबा दीजिए, या कोई भी आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। दोस्तों अगर चाहते हैं इस तरह की कोई भी जानकारी सबसे पहले आए तो आपको मिले, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।